ही बड़े हुए तो अभी कितना साल याद रहेगा? छोटे बच्चे लोग को मिला के सब 12 जन 12 है। तो कौन कौन रहता है जरा बताएंगे, पूरा बताएंगे? सब इधर ही रहते हैं हम लोग। कौन कौन है? 5 बहन, माँ, बच्चे, सब हम लोग इधर ही रहते हैं। यहाँ पर हम बर्तन जोड़ते हैं, यहाँ पर सोते हैं, 2 बहन सोते हैं, नीचे बहन और मैं माँ, ये बहन सोते हैं, इधर खाना पकाते हैं किचन, बस इसके इधर नहाते ये मोरी है, बाथरूम में ये मतलब मोरी है, बाथरूम तोड़ जाता है, चाली में से लाते हैं पानी में। हमारे आदमी को तो मर के 7 साल हो गया। कैसे मर गया? बीमार थे। किस बीमारी से? पता नहीं क्या हो गया था, खाली ठंडी बुखार आती थी बस, उसी में बहुत इलाज कराई थी, नहीं म्यूनसिपालिटी के अस्पताल में कराए थे, पैसे कहाँ से लाने का, कई काम हम करके खाए हैं ऐसी वो बता रही हूँ, और क्या की रहे हैं बचपन में सब ऐसे ही, दूसरा का काम भी हम करके खाए, भीख मंग के भी खाए, जैसा नसीब में था वैसा। जब काम धंधा है नहीं, कोई दिया तो खा लिए, कहीं मिल गया तो खा लिए, तो मुश्किल ही तो है ही ना। बर्तन, कपड़ा, झाड़ू पोछा। और कितना पकार था? कितना पकार था? 300 रुपये। चटानी लोग दे देते हैं खाना उना, तो ला के खा लेते। मेरी कहानी क्या सुनोगे? मेरी कहानी सुनते सुनते और तुम बूढ़े हो जाओगे। हमारी जिंदगी गुजर गई बम्बई में, हमको नहीं मालूम किधर के आए ले, हमको खुद को नहीं मालूम कि हम कहाँ से आए। जब सारी जिंदगी बम्बई में फुटपाथी पे गुजर गई तो कि ना किधर का बताइए। आप फुटपाथ बच्चे के बच्चे हो गए फुटपाथी पे तो किधर का नाम बताएंगे। नहीं, हम लोग यहीं पे पैदा हुए ले, यहीं पे बड़े हुए ले, यहीं पे 3 बच्चे की माँ हो गए। हम लोग जानते ही नहीं है कैसा है कैसा नहीं है। अब 2 बच्चे की माँ हो गए ले, 3 बच्चे की माँ हो गए ले, तो क्या करेंगे अभी आगे चल के? वही अपना बर्तन घसो, कमाओ खाओ, वही ज़िंदगी गुजर जाएगी। बस यहीं पे मैं रहती थी, वो धंधा करने आते थे पहला, बस तैयार हो गया, शादी हो गई। क्या वो झूला चलाते थे? तो कैसे मिले आप पहली बार? पहली बार ऐसे बस उनके झूले में बैठते बैठते बैठने लगे, फिर प्यार हुआ, अभी 1.5 साल हो गया भागते। ये तो हिम्मत है कि कमा के अपने बच्चे लोगों को खिला सके। अभी तो मैं कुछ काम करती नहीं हूँ, काम है नहीं इसके लिए, घर का ही काम करके अपना बच्चे लोगों को लेके बैठे रहती हूँ। बस वही एक बहन है, उसी के सहारे पे हम लोग आए, वही काम करके आती है, पैसा ला के देती है तो खाते हैं, नहीं तो नहीं रह जाते। हम लोग तो बचपन से ही इधर उधर मांग के खाए पिए, माँ बाप तो काम करने जैसे थे नहीं इसके लिए, और अभी बड़े हुए तो वो भी काम करते, शोहर थे तो शोहर कुछ दिन थे फिर अभी भाग गए, तो अभी बस बच्चे हैं, बच्चे लोगों को पढ़ाएंगे पूछाएंगे, जो बनने का उनको बनेंगे, उनके ऊपर है, क्यों नहीं पढ़ाने का है तो पढ़ाएंगे, अपने जैसा थोड़ी ना रखेंगे कि 4 घर काम करके आओ बैठे रहो, वैसा थोड़ी ना रखेंगे, कोई कुछ मिलेगा नहीं तो सब तो मुश्किल ही है ना। कोई साथ ले, कोई साथ नहीं देगा, अल्लाह साथ देगा। क्या? कोई अपना साथ नहीं देगा, अल्लाह हमारा साथ देगा। सब करना चाहती हूँ मेरी मम्मी के लिए, काम करती है फिर सब करती है, चाय पी के मदरसा जाती हूँ, फिर मदरसे से 10 बजे आके स्कूल जाती हूँ, फिर 6:30 बजे घर पे आ। क्या खाते हो रात? दाल चावल। दाल चावल और तो पढ़ लिख के क्या बनेगी, वो अच्छा ही हो जाए उसका नसीब, अच्छा नसीब भविष्य अच्छा हो जाए तो अच्छा ही है ना, सभी अपने औलाद का अच्छा ही चाहता है, बुरा तो कोई नहीं तो चाहता। क्या आप नहीं, वो पढ़ लिख के जो बनना चाहेगी बना देगी।